इसका बीपी डाउन हो गया था। मैं यही बोलता हूँ हमेशा, किसको कभी कुछ ना हो। मैं सब पकड़ा ना, इसकी आंखों की तरफ मैंने देखा एकदम से। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आरपी। तो आज ये पहला दिन ईद का, और मेरी और इसकी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक आप सबको। और आज हम दोनों कुछ सोच रहे हैं, कुछ करें, कुछ घूमें, क्योंकि आज ईद का दिन होगा और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा, कहीं भी चले जाओ तो ऐसा है, है ना? ऐसा है, ऐसा है। तो इसको पीना था मिल्क शेक, और मुझे भी दिल कर रहा था। सबकी कैसी गुजरी लाजमी बताइएगा कमेंट तो। बाकी हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, और अभी तो फिलहाल यहाँ आए हैं डायरेक्टली, मिल्क शेक पीने था, उसके बाद निकलते, कहाँ जाते हैं क्या करते कुछ पता नहीं अभी हमें भी। अभी हम यही प्लान बना रहे हैं कहाँ जाएँ और जो अच्छा सा व्यू हो। मैं सोच रहा हूँ, मुझे ना हरियाली बहुत पसंद है ना असल में ना, तो चलते हैं। मेरा घर हो ना सारी हरियाली हरियाली हो, मेरे को बहुत हरियाली पसंद है, इतनी पसंद है क्या बताऊँ आप लोगों को। पंजाब में घर ले लेते हैं, हरियाली। हाँ चलते, मैं यही सोचूँ पंजाब में चले जाते हैं, क्या हो है? नहीं। तो बाकी मुझे तो यार हमेशा हरियाली बहुत पसंद है, मेरा यही दिल करता कहीं भी बस गार्डन हो बस जाओ यहाँ जाके, उससे बहुत बेनिफिट होते हैं हरियाली से। बाकी अभी आप सब भी आ जाओ मिल्क शेक जॉइन करो। तो बाकी अभी हम लोग बाद में मिलते, काफ़ी बातें हो गई। हम आए हैं डीआईसी की तरफ, और ये वाला व्यू ना मुझे इतना पसंद है, कोई इतना फेवरेट है, मैं हमेशा इसको इधर ही ले आता हूँ, मतलब कि दूसरी दफ़ा है हम, है ना? तो अब इतना नहीं, ये वाला व्यू देखो यार, क्या व्यू है कसम से। ये देखो केचप पिलर, क्या है, कौन सा केचप पिलर है, कौन क्या नाम है, कितना प्यारा है ना वो, देखिए। ओए काटेगा तो नहीं मुझे वो, देख चल रहा है। ओए यार चले गया, तो इसने मुझे कब से यहाँ बिठाया हुआ है, बोरी नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ, इसको जो मैं पता नहीं क्या मसला है, इधर बैठे हुए और अभी तक व्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़, क्यों नहीं बना रहे व्लॉग? आई एम फीलिंग नॉट वेल, वाई 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 यू नो। हाँ हाँ ओके, तो मैं जितना चाह रहा था कि यहाँ पर आके व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे, क्यों नहीं उठ रहे भाई, उठ जाओ, इसको जो ना इसकी तबीयत ख़राब है ना थोड़ी बहुत, तो उससे चले नहीं जा रहा, बड़ी चक्कर आ रहे हैं। मैं इसलिए आपको मिल्क शेक पिलाया था ताकि आप सही हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, फिर आपको मैं सारी जगह घुमाऊँ, लेकिन आप अभी एक ही जगह पे घूमे भी नहीं हम यहाँ पे, तो आप थक गए। तो कोई बात नहीं, अभी चिल करते हैं, क्या है अभी यहाँ से निकलेंगे कहीं और निकलेंगे, पीछे समंदर भी है वहाँ पे, पता नहीं हम जा सकते हैं नहीं, वो पीछे करके वहाँ ऊपर चढ़ के देखें, वो देख ना गाइस, बहुत ही बुरा सीन हुआ है, बहुत ही बुरा, मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई हादसा हुआ, और वो भी बहुत ही बुरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे से पता नहीं, दिल भी कर रहा है कि बताऊं, लेकिन दिल भी कर रहा है कि नहीं बताऊं, क्योंकि कुछ लोग इस पर मुझे लोगों को भी चलो सुना, लेकिन कुछ फिर ऐसा होता है कि लोग बोलेंगे पता नहीं आए दिन इसका यही मसला रहता है, तो ऐसा ऐसा कोई चक्कर है, तो मैं ना बहुत अब परेशान हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, बस ऐसा नहीं कि कोई ड्रामे कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सही थे बिल्कुल, मतलब कि इसकी तबीयत आपको पता करे से ख़राब हुई थी, तो कुछ ऐसा हुआ, हम लोग जो है सी वी के पास, वहाँ से ना पार्क में सीधा सी वी की तरफ निकल रहे थे, तो वहाँ निकलने के लिए ना तो ट्रैफिक बहुत थी, एकदम से मुझे बोली मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं क्या क्या हुआ पूरी पता नहीं, आंखों में अंधेरा आ गया, मैं बोला शायद वैसे बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो जब इसने मेरी तरफ़ देखा मैं समझा कि हाँ चलो इसकी हालत ख़राब हो रही है, तो एकदम से ना ये पता कि वो ऐसे मेरे से पकड़ा, इसने मेरे को ऐसे पीछे की तरफ एकदम से ऐसे जैसे होता है ना फिट्स पड़ता है किसी को, एकदम उसको ऐसा हुआ इसकी आंखों से अंधेरा हुआ, ये एकदम से गिरने लगी, वो तो थैंक्स गॉड के मैंने पकड़ा हुआ था इसका हाथ, मैंने फ़ौरन से हाथ पकड़ा, तो दिन दिन में पीछे से मतलब ट्रैफिक बहुत थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, लड़के वड़के आए बाइक से उतरे, लेडी से आई, उन्होंने फ़ौरन से पकड़ा उसको, मैंने उतारा, फिर प्यार से उसको मैं लेकर पार्किंग की दूसरी साइड चले गए, तो वहाँ से भी मतलब इसको आराम वगैरह नहीं खा रहा, तो ऐसा कुछ चक्कर हुआ, तो मतलब कि मेरी आंखों में तो यकीन मानो लिटरली ऐसे आंसू आ गए जब इसके साथ ऐसा हो, क्योंकि कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं है ना मेरे साथ, 5 साल से ये कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, तबीयत बहुत ख़राब हुई इसकी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम से इसको चक्कर आए, इसका हुआ पता क्या, फिर हम लोग गए डायरेक्ट, मतलब ये चक्कर आया ना गिर गई एकदम से, मेरे को ये हुआ पता नहीं क्या हो गया उसको,
मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा हो, मैं परेशान हूँ एकदम से, उसकी मैंने आँखें देखी, इसकी आँखें खोली की खुली, मैं पूरा टर्न हो गया था पीछे, उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, कुछ सोचो बाइक के ऊपर, तो मेरे तो उसको मतलब मेरे पैरों में से जो ना जमीन निकल गई थी, मेरे को समझ नहीं थी आ रही क्या हुआ। तो उसके बाद फिर हम निकले, दोनों ही निकले ना, तो मैंने बोला चलो आराम आराम से चलते हैं, इसको मैंने पकड़ के रखा था, मैं दिल करता मैं दुपट्टा लेके ना ऐसे बांध लूँ उसको, क्योंकि जैसा हुआ ना कोई पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं, क्योंकि आवाज़ नहीं पता चल, तो भी हम लोग फिर उसके बाद आए, तो भी हम लोग आए रेस्टोरेंट, क्योंकि इसको कुछ खाया ही नहीं इसने, पहली तो बात ये, फिर डॉक्टर के पास मैं इसको लेकर गया, अभी डॉक्टर ने ये बोला कि इसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन है, बीपी डाउन का बोले ना, और क्या बोले, ये मेडिसिन दी है उसने, क्योंकि उसने सुबह बाहर नहीं लिया ना मेडिसिन, ले ली अभी मैंने ना उसके, उसने यही बोला बोला बेटा बीपी डाउन हो गया इसका, बोलती ना तो उस वजह से होगा और कुछ नहीं, लेकिन यार क्या ही बोलूँ, शायद मैं घर पे होता तो और तरीके से बात करता, इसलिए मैं चाह रहा था कि यार इसके साथ बात करूँ, क्योंकि मैं इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, यकीन मानो वैसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी तो फिलहाल मैंने इसको ये खाना हुआ है, मेरे थोड़ा बहुत ही खाएंगे, मेरे को दिल भी नहीं करता कुछ खाने का, इसको मैं खिला रहा हूँ, क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, जब ये नहीं खाती ना तो इसको चक्कर वगैरह आते ही आते, पता नहीं इंसान थोड़ा बहुत जब निकलता है ना, तो मैं थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत भी खा लेगी ना, उससे भी इसको कोई नहीं हुआ, लेटेड हो गया, चलो अभी खाना खाओ उसके बाद मिलते हैं। वहाँ मैं व्लॉग ही नहीं बना पाया, उसकी वजह यह थी कि वहाँ पे बहुत ही रश था, फिर आवाज़ इतनी थी, तो कभी इसके साथ ऐसे हुआ नहीं यार, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इसके साथ जो ना ऐसा हुआ कि चक्कर आया एकदम से, इसका बीपी डाउन हो गया था, मैं यही बोलता हूँ हमेशा किसको कभी कुछ ना हो, मुझे हो जाए क्या है, लेकिन मैं इसको जो फर्स्ट टाइम ऐसे पकड़ा ना, इसकी आंखों की तरफ मैंने देखा एकदम से, मेरी आंखों में इतने कोई आंसू थे, लेकिन मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए मैं उधर इस रेस्टोरेंट में इसलिए वीडियो बनाता, क्योंकि मुझे पता था मुझसे नहीं कंट्रोल होगा, मैं दिल इसके लिए बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है इसके लिए, मैं कभी भी इसको जो ना किसी ऐसे हाल में नहीं देख सकता, और ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऐसे हाल में देखा है, उसे अच्छा तो मैंने पकड़ लिया, पीछे गाड़ी भी थी कार भी थी, तो फिर इसको मैंने पकड़ा भी, लड़के आए उन्होंने बोला ट्रैफिक से निकालो इसको फ़ौरन से, मैं ट्रैफिक से निकाल के चाय वाले होटल पर बैठे, मैं बोला चलो इधर बैठते कुछ खाते पीते, मैंने ज़बरदस्ती इसको आधा रोल ही लाया, चाहे फिर भी इसको आराम नहीं आया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल वहाँ लेकर गया इसको क्लिनिक पे, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, वो बोले इसको बीपी डाउन हुआ है, मैं बस यही हमेशा खुदा से दुआ मांगता हूँ इसको कभी कुछ ना हो, मैं कभी ऐसे रोया हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं रोया, कभी ज़िंदगी में नहीं, यहाँ पे कभी ऐसे बहुत बड़ा आसा होता, लेकिन इसके लिए मेरा दिल बहुत छोटा है, बहुत मुझे नहीं पता, शायद मैं ऐसे रो रहा हूँ तो वो सही है गलत, लेकिन मैं बस ये बोलते हैं इसको कभी कुछ ना हो यार, अभी भी इसकी तबीयत, मैं रास्ते में आते वक्त कुछ भी इसके साथ बात नहीं की, क्योंकि मैं इतना परेशान था उसको देखकर मैं इस हालत में, लेकिन बस यार उसके भी छोटी छोटी कुछ गलतियाँ हैं कि वो बस मैं ये बोलती हूँ यार तुम्हारे को ब्रेड भी लेकर दे दूँगा, हर एक चीज़ तुम एक दफ़ा, बस ये फ्रिज हमने देनी इसको, यही वजह से मैं दे रहा हूँ ताकि अपनी हर एक चीज़ बना के खुद रखे और सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि वो सुबह से बंदी भूखी रहती है, वैसे हमें से और भी डॉग नहीं होगा, देखे होंगे स्टार्टिंग के क्लिप ना, जब वो मैं जब लेकर इसको जाने लगा था ना, तभी मुझे बोलती मेरी तबीयत खराब हो रही, पता नहीं क्यों मुझे जो ना पेन भी हो रहा सर में और चक्कर भी आ रहे हैं, बोला चलो आओ इधर पार्क में बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, हम वहाँ पे कम से कम आधा घंटा बैठे रहे, मैंने बोला आधा घंटे बैठते फिर आराम से, फिर भी मुझे बोली नेवी भी आराम नहीं है, मैं चलो बैठो बैठो कोई मसला नहीं, एक घंटा हम लोग बैठे, फिर बोरी चलो ठीक है चलते, तो वहाँ से कुछ खाएंगे, मैं खाना खाना, बोरी हाँ खाना खाना है,
तो मैं उससे बात नहीं थी इतनी कर रही नॉर्मली बस। जब ट्रैफिक में बसेस ने बोला मुझे चक्कर आ रहा है, आंखों में अंधेरा आ रहा है, बोला सच में हो रही है। हाँ बस एकदम से उसको ऐसे जैसे मतलब कि फिट्स नहीं पड़ते ऐसा हुआ, लेकिन इसको फिट्स नहीं पड़ते, इसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, तो एकदम से ऐसे इसने पीछे से हिली है, तो फ़ौरन से मैंने पकड़ लिया बस यार मेरे से और भी लोग नहीं होगा। तो बाकी यार उसको यार उसके लिए बहुत सारी प्रे करनी प्लीज़, बहुत बहुत सारी दुआएं करनी उसके लिए। पता नहीं इसको क्या हुआ है, नज़र लगी क्या हुआ है मुझे नहीं पता, और मैं बस यही बोलूँगा कि उसके लिए बहुत सारी दुआएं करना ताकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। उसके पहले भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बस दुआ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा, यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। तो बस आज का वीडियो हमारा यही है, कल मिलेंगे आप।